कि नॉर्मल जो पेपर होते हैं उनके फाइबर्स इस तरीके से, इसको आप एक दिन दो दिन महीने भर पानी में डाल के रख दीजिए, फिर इसको निचोड़ लीजिए, आपका पेपर बिल्कुल सही रहे। ये देखिए इसमें ये स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ है, क्योंकि पहले जितने भी गुरुद्वारे थे वो महंत लोगों के पास थे, अभी ये पोर्शन छोड़ दिया है, वो भी मिनिमाइज करके छोड़ा हुआ है, बाकी जो मैक्सिमम था वो टोटल कर दिया है। और ये क्योंकि इसमें आप देखिए सुई की अगर नोक के बराबर भी कहीं पर भी अंग यूज किया गया है, तो फिर हम उस अंग को हिसाब से मैच करेंगे पूरा, उसके बाद फिर उसको फाइनल करते हैं। 100% तो तभी होगा। आ जाइए, देख रहे हैं कम से कम 90% तो कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे पास अभी जिन प्रोसेस में चल रहा है। अब दो प्रोसेस रह गए, एक प्रोसेस है क्रे के लिए हमने कोई और सीरियल नंबर दिया है T1 करके या T2 करके, और जो खाली अंग थे तो देखो जी खर्चा 70 to 80 lakh रुपया दसिया इन्होंने सानू, और 50 दे लागे शागे तो लग चुका है। हाँ जी, तो टाइम जिहड़ा 4-5 साल का मैं लगता भी, क्योंकि बड़ा बरीकली काम है, कला कला अंग कूड़ा लभना, ऐड़ा लभना, औंकड़ दड़ौंकड़ कन्ना कनौड़ा, एक ग्रंथी सिंह पढ़ता है तो दूसरा सिंह लभदा है, तो इन्होंने चक के लाना हुंदा, इन्हें दसिया ट्रेनिंग दिती है साडे बंदियां नूं भी किदां तुसीं अंग नूं लभना है, वो फिर अंग लभ के जिथों टुटिया उस अंग ते लाउणा, जिदा 974 आ 974 का अंग लभना, वो बाणी पढ़नी है गुरु साहब के सरूप तो जिहड़ा सरूप सीख है उत लभ के उन्हें कहा भी आह अंग गुआचा, आह कन्ना गुआचा, कनौड़ा गुआचा है, वो फिर दसना, फिर वह चक के लाना। तो इस करके यदि मेहनत ज़्यादा आ भेटा भी ज़्यादा आ, भेटा की असं गल नहीं करते, क्योंकि साडा वड्डा वडेरा कोई माता पिता बच्चा साडा बीमार हो जाए तो घर वेचन तक, गड्डिया वेचन तक, अपने आप नूं वेचन तक जाने, ये तो फिर साडा परमेश्वर है, गुरु है, तो गुरु वास्ते तो साडे सिख जिहड़े अपनी कुरबानियां दिंदे ने, इहदे वास्ते कोई कीमत नहीं आ। इस करके भी ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सेवा जिहड़ी है, असीं इहो कहांगे कि असीं वड्डिया कर भागां वाले सानूं इह सेवा मिली है। मैंने इस फील्ड में कंजरवेशन की डिग्री की है, और इससे पहले सबसे पहले मैंने जो ये वर्क शुरू किया है वो 2011 में शुरू किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेडफोर्ट दिल्ली में मैंने 2 साल काम किया है। उसके बाद मैं मुंबई गया था, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसका नाम है जय हो, वहाँ पर मैंने एज ए सीनियर कंजर्वेटर काम किया। उसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब पे साका 1921 का जो स्वरूप था उसकी भी सेवा की है। उसके बाद ज्ञानी गुरमुख सिंह जी जो सिंह साहब थे अकाल तख्त साहब के, उन्होंने बाबा जी हरजीत सिंह जी के साथ मिल के फिर मेरी सेवा इधर लगा दी है, तो अब मैं यहाँ पे लगभग 3 साल से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। ये लगभग 350 साल पुरातन स्वरूप है, और इसको बनाने के लिए देखिए कई एक प्रोसेस होते हैं। जब ये स्वरूप हमारे पास आया था तो एक एक अंग इसका पाउडर बन रहा था, क्योंकि इसमें इंसेक्ट गए थे, उन्होंने अटैक किया था जो कि गुरु साहब के अंगों को पाउडर बना दिया था, और इसके अंदर कीड़े लगे हुए थे, पानी गया था। उसके बाद सबसे पहले तो हमने गुरु साहब का फ्यूमिगेशन किया, फ्यूमिगेशन से मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी इंसेक्ट हैं या लार्वा हैं वो सारे डैमेज हो जाएगा।